2024 में उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी अंधेरे में खेलने को मजबूर हैं, जिसका संज्ञान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया है। वे खुद हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम पहुंचे, जहाँ उन्होंने स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत की। खिलाड़ियों ने बताया कि खेल के दौरान अक्सर लाइट चली जाती है, जिस पर उन्होंने खेल विभाग के अधिकारी पर नाराजगी जाहिर की है और खेल विभाग के अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। उन्होंने कहा कि मिनी स्टेडियम में खेल ग्राउंड स्टैंड समेत अन्य जो काम मुख्यमंत्री के नाम से घोषणा की गई है, उनके पहले फेज का काम पूरा किया गया है। अब दूसरे फेज का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा, लेकिन स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर, पहले तो सुबह की भी टाइमिंग होती है तो उसमें भी मैम नहीं आती है, और शाम की टाइमिंग जो होती है उसमें भी मैम बहुत लेट आती है। जनरेटर यहाँ पे चलता नहीं है, यहाँ की लाइट बहुत जाती है, और ऊपर से अगर कुछ कंप्लेन करो, अगर मैम से भी कहो तो मैम सीधा कह देती है कि प्राइवेट में चले जाओ अगर इतनी दिक्कत है। देखिए, पहले तो जो ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में एक्चुअली ये धनराशि आई है, और इसमें जो काम की प्रोग्रेस है ये अच्छी है। जो घास का काम है वो हो चुका है, अंदर जो जालियां लगनी थी वो भी लग चुकी हैं, जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो लग चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम अंदर का बन चुका है। पवेलियन पे खाली शेड पे काम है वो हो रहा है, बाहर जो ट्रैक बनना है उस पर काम होना है। ये तो उसकी पहली पार्ट थी जो संतोषजनक है। दूसरा पार्ट है, मुझे संज्ञान में आया था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि यहाँ पे जो जनरेटर है, शाम को बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं।